नमस्ते, सरोज किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी व हेल्दी रेसिपी शेयर करेंगे। ये है लौकी के मुठिये। लौकी अपने आप में बहुत हेल्दी है। लौकी का सेवन किसी भी रूप में किया जा सकता है। अगर आपको लौकी की सब्जी पसंद ना हो तो आप लौकी का इस्तेमाल मुठिये के रूप में भी कर सकते हैं, जो कि अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी नई रेसिपी हो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब हम लौकी के मुठिये बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी ली थी। करीब वज़न में अगर देखा जाए तो वो 500 ग्राम की थी। तो यहाँ पर मैंने उसको अच्छी तरह से धो के छील कर और कद्दूकस कर लिया है। तो ये कद्दूकस करी हुई लौकी में से हमने हल्के हाथों से थोड़ा सा इसका पानी निचोड़ लिया है। पूरा भी नहीं निचोड़ना है, हमें थोड़ा ही पानी इसमें से निचोड़ना है, बाकी लौकी में ही रहने देना है। इसी से हम पूरा आटा अपना मिक्स करेंगे और इसके हम मुठिये बनाएंगे। तो लौकी के मुठिये बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह की एक बड़ा बर्तन ले लेंगे या परात ले लेंगे, और उसमें मैं ये आटा ले रही हूँ, एक बाउल ले रही हूँ। अगर ग्राम में नापे तो ये करीब 250 ग्राम है और ये मोटा आटा है, तो ये अब हम ले लेंगे। और उसी बाउल का मैंने ये गेहूं का आटा लिया है बारीक, जिससे हम चपाती बनाते हैं। ये मैंने करीब आधा ले लिया है, आधा बाउल। और उसी बाउल से मेजर कर हमने आधा बाउल हमने बेसन ले लिया है। और अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले मिला लेंगे। करीब एक चम्मच के करीब मैं यहाँ नमक मिला रही हूँ। एक चम्मच मैंने पहले से ही डाल दिया है, आधी चम्मच और ले रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। करीब दो छोटी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिला देंगे। और यहाँ मैं थोड़ा सूखा धनिया यूज कर रही हूँ, करीब ये भी एक छोटी चम्मच है। इसको हाथ से थोड़ा सा हम इस तरह से क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। करीब तीन छोटी चम्मच मैं यहाँ शक्कर की मिला रही हूँ। मैंने यहाँ पे 6 मिर्ची का पेस्ट बनाया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल के भी पीस के इसमें मिला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ हरी मिर्ची का ही पेस्ट मिलाऊंगी। करीब ये वाली 3 चम्मच मैंने तेल की डाल दी है। चौथाई चम्मच हम मीठा सोडा इसमें मिला देंगे। और खटाई के लिए मैं यहाँ नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 नींबूओं का इस्तेमाल किया है। और अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और मुठिये में हरी मिर्च पिसी हुई बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत टेस्ट अच्छा आता है इससे मुठिये का। तो इस तरह से आटे में हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो आटे में हमने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब जो ये लौकी हमने घिस कर रखी थी वो इसमें मिला देंगे। और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। वैसे ऊपर से पानी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लौकी में अपना खुद का ही पानी बहुत होता है, उसी से ये आटा बन लगा कर तैयार हो जाएगा। ध्यान रहे आप दूसरा पानी बिल्कुल ना मिलाएं, उससे मुठिये बहुत हार्ड बनते हैं। इस तरह से हम थोड़ा गीला गीला ही इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छा गीला गीला इसका ये इस तरह से आटा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक स्टीमर लेंगे और उसमें इसको पका लेंगे भाप में। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो हम इडली के कुकर में भी इसे बना सकते हैं। तो आज मैं ये रेसिपी आपके साथ इडली के कुकर में बनाकर ही बताऊँगी। तो हम पहले से ही गैस पर इस तरह से इडली का कुकर रख देंगे। उसमें करीब मैंने 3 ग्लास पानी डाला है, इस तरह की मैंने 3 ग्लास इसमें पानी डाल दिया है। और जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मुठिया रख देंगे। तो इसको ढककर हम उबलने तक देते हैं। तो जब तक पानी गर्म होता है हम मुठिये बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। उसके लिए हम अपने हाथ को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, इस तरह से तेल लगा लेंगे हाथों पर दोनों पे, ताकि ये चिपके नहीं। और इस तरह से इसे
तो इस तरह से हम मुठिये का शेप दे देंगे और इस प्लेट में हम रखते जाएंगे। थोड़ा सा दूरी पे ही रखें ताकि ये फूलेंगे तो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो इस तरह से हम मुठिये बनाकर अब इस कुकर में रख लेंगे। पानी अच्छा गर्म हो चुका है। तो इस तरह से हमने लौकी के सारे मुठिये बना लिए। तो यहाँ करीब इडली की 2 प्लेटों में ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम भाप में पका लेंगे करीब 20 से 25 मिनट तक, और बीच बीच में हम थोड़ा चेक कर लेंगे इसको। गैस की फ्लेम हाई और मीडियम के बीच में हम रखेंगे। तो अब इसे हम पकने देते हैं करीब 20 से 25 मिनट तक। तो करीब मुठिये को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुकी है। अब हम एक बार बीच में चेक कर लेंगे। एक चाकू की सहायता से हम इसमें डालकर देखेंगे। अगर छुरी हमारी एकदम साफ निकले तो समझ जाइए कि पक चुके हैं। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर और है, तो करीब 5-7 मिनट से हम और पका लेंगे। तो मैं इसे फिर से ढक देती हूँ, और इसी तरह हम करीब 10 मिनट इसे और भाप में पका लेंगे। तो मुठिये को पकते हुए और 10 मिनट हो चुकी है। अब हम चेक कर लेंगे। हम उसी तरह से चेक करेंगे जैसे पहले किया था। एक छुरी की सहायता से हम इसमें डाल के देखेंगे। आप देख सकते हैं एकदम ये साफ निकल रही है, इसका मतलब ये पककर तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसी तरह से इसमें कम से कम 2 से 4 मिनट इसी में रहने देंगे ताकि ये और अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। तो करीब 3 मिनट हो चुकी है हमें गैस की फ्लेम ऑफ करके और इसी में इसको मुठिये को रखते हुए। अब हम इनको बाहर निकाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे ये पककर तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छे फूल चुके हैं। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसमें हम बघार लगा देंगे। तो मुठिये एकदम ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में हम काट लेंगे। आप देख सकते हैं अंदर तक बहुत अच्छी इसकी सिकाई हो चुकी है, बहुत अच्छी इसमें जाली पड़ चुकी है। तो अब इसी तरह से हम सारी मुठिये काट लेंगे। तो इस तरह से मुठियों को हमने थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसकी बघार दे देंगे। तो गैस पर हम इस तरह से एक बड़ी कढ़ाई रख लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। और करीब 4 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हम करीब 1.5 चम्मच हम राई की डाल देंगे। राई जब तड़कने लग जाएगी तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच तिल डालूंगी। गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे। और साथ ही मैं थोड़ा सा करी पत्ता यहाँ डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करकर हम सारा कटा हुआ मुठिया इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये लौकी के मुठिये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लाजवाब इसका टेस्ट है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।